हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। आए दिन जो है हमें खबरें मिलती रहती है कि इंडियन कार मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है कि हर कोई कंपनी चाहती है इसमें काम करना। अब वो वाला इंडियन मार्केट कितना ज्यादा बड़ा है और उसके अगर वो इतना ही ज्यादा मार्केट है तो पूरी दुनिया में उसका कौन सा नंबर आता है, पोजिशन आती है बड़े वाले साइज के अकॉर्डिंग। नंबर 10 पर कौन आता है, नंबर 1 पर कौन आता है, बताऊंगा इसकी इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब इसी और वीडियो के लिए। हमेशा की तरह कुछ नया ही कंटेंट लाया होते हो, इसलिए प्लीज यार सब्सक्राइब कर ही देना। चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पर आता है यूनाइटेड किंगडम, और इसके अलावा मैं जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा और कम से कम टाइम लेकर। नंबर 9 पर आया है फ्रांस, और इसके बाद नंबर 8 पर आता है रशिया। अगर मैं जो है कंट्री के नाम के साथ साथ अगर उसका जो सेल्स का वो आंकड़ा है वो भी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और बोरिंग भी हो जाएंगी। तो इससे अच्छा तो मैं उसका जो सेल्स है उसको काउंट करके उसको ठीक पोजीशन में बैठा कर आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो अगले नंबर पर है, यानी कि नंबर 7 पर है साउथ कोरिया, नंबर 6 पर है ब्राज़ील, नंबर 5 पर आया है जर्मनी, और नंबर 4 पर है हमारा प्यारा देश भारत यानी कि इंडिया, और नंबर 3 पर आया है जापान, और नंबर 2 पर आया है यूनाइटेड स्टेट। अब नंबर 1 पर कौन आया होगा आप कमेंट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू रखो क्योंकि अब आने वाला है नंबर 1। तो नंबर 1 पर है भैया चाइना। हाँ, ये मार्केट बेशक से इतना ज़्यादा बड़ा है कि मतलब पूछो मत। अगर नंबर 2 पर जितनी गाड़ियाँ बिक पाई है और नंबर 1 पर जितनी गाड़ियाँ बिक पाई उसको कंपेयर करें तो 1.5 गुना ज़्यादा मतलब नंबर 1 वो अचीव कर पाया है। अगर इसी सेल्स को जो है मैं आंकड़ों में बताऊंगा तो वीडियो तो बोरिंग होने ही वाली है, इसलिए उसको मैं मेंशन करने वाला हूँ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आंकड़ों में फ़र्क है। बाकी मैं मिलता है उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।